बुधवार को उत्तराखंड में 304 कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 463 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के आंकड़े 61,261 हो गए हैं, जिसमें से 56,073 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हुई। राज्य का रिकवरी रेट 91% से ऊपर चल रहा है। अल्मोड़ा में 4, बागेश्वर में 10, चमोली में 23, चंपावत में 8, देहरादून में 79, हरिद्वार में 29, नैनीताल में 47, पौड़ी में 38, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 23, टिहरी में 14, ऊधम सिंह नगर में 18 और उत्तरकाशी में 6 मामले सामने आए हैं। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार बांध परियोजना में धांधली की प्रारंभिक पुष्टि होने पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बांध की ऊंचाई भी बढ़ाई और शेड्यूल रेट से कहीं ज्यादा पर निर्माण कार्य करवाए हैं। सिंचाई मंत्री ने जांच में पाया है कि बराज निर्माण में शेड्यूल ऑफ रेट से 20% अधिक दर पर सिविल कार्य कराए गए। इसी कॉन्ट्रैक्ट की दर से ही अतिरिक्त कार्य भी कराए गए। इस वजह से बांध के लिए मंजूर बजट से 12 करोड़ रुपए का अधिक खर्च हुआ। इस योजना के लिए 50.24 करोड़ रुपए तय किए गए थे, जबकि अब तक इस पर 62 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। स्वीकृत बजट से 12 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना सीधा सरकारी धन का दुरुपयोग है। मालूम हो कि महाराज ने 27 अगस्त 2020 को सूर्यधार बांध परियोजना का मुआयना किया था। उस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने जांच कराने की बात कही थी। विभाग से मिली रिपोर्ट की समीक्षा में मंत्री ने कई गड़बड़ियां पाने पर उन्हें जांच के आदेश दिए थे। नवंबर में होने वाले भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का चयन हो गया है। टीम से रोहित शर्मा चोट के चलते बाहर हो गए हैं। वहीं केएल राहुल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। इसके अलावा ऋषभ पंत को सीमित ओवर क्रिकेट से बाहर कर दिया गया है। वो टेस्ट टीम के सदस्य हैं। आईपीएल में अपनी तेज गति से सभी को प्रभावित करने वाले कमलेश नगरकोटी को टेस्ट टीम में बतौर अभ्यास बॉलर जोड़ा गया है। बागेश्वर के कमलेश नगरकोटी की गति के बारे में हर कोई वाकिफ है और ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनके करियर के लिए सबसे बड़ा मौका हो सकता है, जहां उन्हें काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। खुशी की बात है, उत्तराखंड के बेटे को बीसीसीआई भविष्य की नीतियों में शामिल कर रही है। ये कमलेश का मनोबल बढ़ाएगा। कमलेश नगरकोटी के अलावा अभ्यास गेंदबाज के रूप में कार्तिक त्यागी, ईशान पोरेल और टी नटराजन को भी शामिल किया गया है। कमलेश साल 2018 से सुर्खियों में चल रहे हैं। पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय अंडर 19 टीम ने विश्व कप अपने नाम किया था और कमलेश उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन इसके बाद वो चोट के चलते 2 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कर सीबीआई को जांच का आदेश देने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। रावत ने हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए याचिका में कहा है कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस विवाद में बेवजह उनका नाम घसीटा गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गत 27 अक्टूबर को पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में दर्ज मामला रद्द कर दिया था। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरिंद सिंह रावत ने उमेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने आदेश में उक्त एफआईआर को रद्द करने के साथ ही सीबीआई को पत्रकार की याचिका में लगाए गए आरोपों पर मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनी को उभारने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के नए आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड टेलीफोन सर्विस लेने की बाध्यता कर दी है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों, कार्यालयों और सार्वजनिक विभागों में बीएसएनएल की सेवा को अनिवार्य करने के फैसले के बाद सभी राज्यों में बीएसएनएल ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। बीएसएनएल के अधिकारियों की माने तो लगभग सभी सार्वजनिक कार्यालयों में बीएसएनएल की ही सेवा ली जा रही है, लेकिन जहां पर बीएसएनएल की सेवा नहीं ली जा रही होगी वहां पर ये सेवा आवश्यक रूप से लेने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। केंद्रीय व प्रदेश के विभागों में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज लाइन पर दी गई सेवाओं के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। निजी टेलीकॉम सर्विस कंपनियों के बाजार में आने से बीएसएनएल काफी पीछे हो गई है। पहाड़ी इलाकों के अलावा कंपनी की सेवा काफी कम लोग लेते हैं। घाटे में चल रही कंपनी ग्राहकों को अच्छी सेवा भी नहीं दे पा रही है। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। एमसीआई की ओर से पोस्ट ग्रेजुएशन की कई सीटों में मान्यता प्रदान की गई है। जनरल मेडिसिन विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन की कुल 12 सीटों में स्थायी मान्यता प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त कान व गला विभाग की 2 सीटों में स्थायी मान्यता दी गई है। उक्त कमियों को पूरा करने के बाद निरीक्षण किए जाने के लिए कहा गया है। मान्यता मिलने में प्राचार्य सीपी भैसोड़ा ने कहा कि अत्यंत खुशी का विषय है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में संचालित पीजी की सीटों को स्थायी मान्यता मिलने से राज्य को स्पेशलिस्ट चिकित्सक मिलेंगे जो राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के उन मेडिकल छात्रों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है जो एमडी एमएस की तैयारी कर रहे हैं।
शिक्षक बनने के लिए सालों से प्रयास कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। कुछ दिन पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती आई थी और अब स्कूल के सहायक अध्यापकों की भी भर्ती आई है। ये भर्तियां प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के लिए की जाएंगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से शिक्षक भर्ती का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बैकलॉग और खाली पदों पर होने वाली ये भर्ती हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2018 के तहत शिक्षकों को बैकलॉग और खाली पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक को हटाते हुए प्रक्रिया जारी करने के आदेश दिए हैं। शिक्षकों की भर्तियाँ बैकलॉग के 564 पदों पर होंगी। रुड़की में पिछले साल खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पनीर का सैंपल जांच में फेल हो गया है। इसके बाद विभाग ने पतंजलि और प्रोडक्ट तैयार करने वाली फर्म समेत 3 के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि 18 जुलाई 2019 को टीम ने पनियाला रोड स्थित एक दुकान से पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। जांच में सैंपल वो फेल हो गया। उन्होंने बताया कि लैब रिपोर्ट में कहा गया है कि पनीर की क्वालिटी खराब है। मानकों के विपरीत पनीर में 30% से कम फैट और उच्च नमी पाई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि पतंजलि पनीर की मार्केटिंग करती है, जबकि मेरठ की निर्माता फर्म नेचर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पतंजलि को पनीर उपलब्ध कराती है। एक सप्लायर के जरिए पनीर मार्केट में बेचा जाता है। तीनों के खिलाफ एडीएम वित्त एवं राजस्व कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड के रोडवेज कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कर्मचारियों को दीपावली से पहले 1 महीने का वेतन मिलेगा। साथ ही आंदोलनरत कर्मचारियों से रोडवेज को हुए नुकसान की वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रार्थना पत्र में दिए जाने पर अनुपस्थित कर्मचारियों का अवकाश मंजूर किया जाएगा। कर्मचारियों के 26 अक्टूबर को प्रबंध निदेशक कार्यालय में हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया है। इसके बाद आंदोलनरत कर्मचारियों ने 28 अक्टूबर को होने वाली प्रदेश भर में धरने एवं कार्य बहिष्कार के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। निगम के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान की ओर से जारी कार्यवृत्त में कहा गया है कि दीपावली से पहले कर्मचारी को 1 महीने का वेतन का भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हुई तो 1 महीने का और भुगतान किया जाएगा। रिटायर एवं मृतक कर्मचारियों के देयकों के लिए भी निगम प्रयास कर रहा है। बैठक में संगठन प्रतिनिधियों की ओर से बताया गया कि दीपावली के त्यौहार के अवसर पर निगम की लगभग सभी बसों को चलाया जाएगा।